उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद प्रयागराज का जनपद सम्मेलन अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य को किया गया सम्मान। आज प्रयागराज में स्थित सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद प्रयागराज द्वारा मार्च 2021 में अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य बहनों बंधुओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नई शिक्षा नीति शिक्षक प्रधानाचार्य की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, पूर्व कुलपति काशी हिंदू विद्यालय एवं अध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद के रूप में तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिव्यकांत शुक्ला, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद अनूप कुमार श्रीवास्तव, उप शिक्षा निदेशक आर एन विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक व नरेंद्र शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर यज्ञ शर्मा, पूर्व सदस्य विधान परिषद ने किया। इस अवसर पर विगत 22 फरवरी 2021 को प्रदेश कार्य समिति के निर्णय अनुसार जनपद की कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ प्रधानाचार्य की विभिन्न समस्याएं जैसे तदार्थ प्रधानाचार्य का विनियतीकरण, प्रधानाचार्य को त्रिस्तरीय वेतन प्रदान करने, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य का समान वेतन प्रदान करने व वित्त विहीन प्रधानाचार्य व शिक्षकों की सेवा शर्ते इंटरमीडिएट एक्ट के तहत करने, कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा प्रतिपूर्ति करने, ग्रीष्म अवकाश में कार्य करने के लिए अर्जित अवकाश जैसी अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। संगोष्ठी में आए प्रधानाचार्य और अतिथियों का आभार प्रकट डॉक्टर रघुराज सिंह जिला अध्यक्ष ने किया। संचालन का कार्यभार ब्रिजेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष व डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जिला मंत्री ने किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गिरीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।